तो बढ़िया है ना सब। आई होप सब अच्छा होगा। सो आपने ऐसा 1760 लोगों से सुना होगा कि आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, तो वो बोलते हैं कि लगता है आजकल सेवा ज़्यादा हो रही है। लिटरली ऐसे हमें आंसर्स मिलते हैं, लोग देखते हैं, लोगों को पिंपल लगते हैं, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि वो सब चीज़ें चल रही हैं। मैंने ये चीज़ खुद फेस की है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे को गड्ढे हैं चेहरे पर। मैंने ये चीज़ खुद फेस की है। लोग ऐसा बोलते हैं और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे को कोई क्वेरीज के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज भेज सकते हैं। एंड इससे पहले आप वीडियो देखना बंद करें, रुको ज़रा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मास्टरबेशन करने से पिंपल होते हैं या नहीं होते हैं। सो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो एंड तक देखें, तो चलो शुरू करते हैं। मास्टरबेशन से पिंपल्स नहीं होते हैं, यह सीधा सीधा एक ब्रो साइंस है कि मास्टरबेशन से पिंपल्स होते हैं। कुछ लोग अपना ब्रो साइंस लगाते हैं कि यार तू मास्टरबेशन करता हो तो तेरी बॉडी की हीट बाहर आती है जिससे हमको पिंपल होते हैं। तो मेरे लिए उनके लिए एक सवाल है कि भाई जब तू या कोई भी वर्कआउट करता है तो क्या पिंपल होते हैं? नहीं होते ना। सो ये ब्रो साइंस आप ना लगाएं। एंड मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा जिनको भी ये डाउट है कि मास्टरबेशन से पिंपल होता है या नहीं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मास्टरबेशन से पिंपल नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे करें। मैंने एक आपको एक वीडियो मास्टरबेशन पर बनाई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप ऊपर जाके आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सो होता ये है कि जब हम एडोलेसेंस हिट करते हैं, जब हम प्यूबर्टी के अंदर एंटर होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं सीबम, SEBUM, सीबम। वो किसी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, किसी के अंदर कम प्रोड्यूस होता है। जिनके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा जिसके अंदर प्रोड्यूस होता है उसको यूजुअली एक्ने एक्ने फेस करने पड़ते हैं। ये सब कुछ हमारे एडोलेसेंस के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि जब एडोलेसेंस में हम एंटर होते हैं, जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो हमारी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो भी बढ़ते हैं, एंड साथ ही जो सीमन होता है वो स्पर्म पर कन्वर्ट होने लगता है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी लोग ये बोलते हैं कि मास्टरबेशन से पिंपल होते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप उनकी बातों पे ना आए। मास्टरबेशन और शीबम, ये दोनों का दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब बात ये है कि पिंपल्स एक्चुअली होते क्यों हैं। एज यू ऑल नो कि हमारी स्किन जो होती है वो हर 14 डेज में डेड स्किन के रूप में निकलती है। कभी कभी क्या होता है, जब ये स्किन डेड स्किन के रूप में नहीं निकलती, तो जो हमारे जो पोर्स होते हैं फेस के, वो पोर्स बंद हो जाते हैं। एंड जब वो डेड स्किन नहीं निकलती है, एंड जब सीबम किसी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो जो वो सीबम एज ऑयली सब्सटेंस के थ्रू बाहर निकलता है, एंड वो जो डेड स्किन होती है, वो डेड स्किन खराब स्किन होती है, वो हमारे फेस के सरफेस पे फैलने लगती है। और जब वो फैलने लगती है, सो हमको तभी ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे हो गया हमारा पिंपल्स, एक्ने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब चीज़ें, सिट्स। सिट्स मतलब वो होता है जब आपने देखा होगा आपके यहाँ पर लाल पड़ जाता है एंड बीच में समथिंग येल्लो सा लिक्विड रहता है, तो उसको हम सिट्स कहते हैं। और लोग जनरली ये बोलते हैं कि आपको अपने फेस को वॉश करना चाहिए। सो जी हाँ, ये चीज़ सही है। एक्चुअली ये होता ही है, हमारे फेस पर नहीं, हमारे बॉडी पर भी। जब भी हम किसी धूल, मिट्टी या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं और हम फेस को धोते नहीं, तो क्या होता है, वो डस्ट जो होती है एंड ऑयल मिक्सअप होकर वहाँ पर एक ख़राब स्किन बना देता है। जब तक वो स्किन हमारे इस पर रहती, जब तक हम चेहरा नहीं धोते, तब तक एक पिम्पल आने लगता है, मतलब पिम्पल पैदा हो जाता है, जैसे हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो पिंपल पैदा होने लगता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दिन में आप एटलीस्ट 4 से 5 बार अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धोएं और चेहरे को रब ना करें। चेहरे पर ऐसे ऐसे करके आप सिर्फ टॉवल रखें, चेहरे को रब ना करें। और तो और ये चीज़ आप सुन लेना, एंड आप कभी भी ये साइंस किसी और को मत बोलना, या आप खुद होता है कभी मस्ती में बोलते हैं कि अरे भाई तू वो सब करता है इसलिए तेरा पिंपल हो रहा है एंड ऑल। सो आप ये सब चीज़ें ना करें, ये मिथ स्प्रेड ना करें, क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों मतलब फील अच्छा फील नहीं होता। जो अभी तो 20 साल की उम्र में लोगों को ठीक है लगता है कि हाँ चल ठीक है, दिन दिन मैनेज उनका रहता है कि हाँ ओके आई कैन फेस, नॉर्मल है मेरे लिए एंड समथिंग एंड ऑल, लेकिन बात वहाँ पर आके ख़त्म नहीं आती। जो छोटे एज के बच्चे होते हैं उनको बहुत डिप्रेस फील होने लगता है। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये नॉर्मल ख़राब सा मेथड ना फैलाएं और किसी के अंदर भी ये मिथ ना डालें। सो जैसा कि आपने इस वीडियो में देख लिया कि मास्टरबेशन में पिंपल होते हैं या नहीं,
क्या कारण होता है मैंने सब इस वीडियो में बता दिया है। तो मैं बोलूँगा अगर आपको फिर से कोई डाउट है तो आप फिर से ये वीडियो देख सकते हैं, एंड मैं आपसे कहूँगा कि ये मिथ कहीं भी कभी भी ना फैलाएं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड और तो और आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे ये वीडियो को लाइक करें, एंड आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। हेल्प मी टू ग्रो। सो हमेशा कहता हूँ लॉकडाउन है, सो मैं ये बोलूँगा स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर। बाय।